एक तरफ देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन की ही किल्लत की खबर सामने आ रही है। मुंबई का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बीएमसी ने रविवार को इस बात का खुलासा किया कि कोरोना वैक्सीन की बहुत ही किल्लत है। इस वजह से 45 साल की उम्र और उसके ऊपर के उम्र वालों का वैक्सीनेशन को सोमवार से रोक लगा दिया गया है। यह कदम वैक्सीन की कमी की वजह से उठाया गया है। इसके साथ ही बीएमसी ने इस बात की भी खुलासा की कि 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन भी सिर्फ 5 सेंटर पर ही किया जा रहा है। जानकारी मुताबिक जिन लोगों ने पहले से ही कोविन ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, उन्हीं लोगों को वैक्सीन के लिए टाइम स्लॉट दिया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले बीएमसी ने जानकारी दी थी कि मुंबई के नायर अस्पताल, बीकेसी, जिम्बो कोविड सेंटर, कूपर अस्पताल, सेवन हिल्स और राजावाड़ी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीनेशन लगाई जानी है। लगातार कोरोना वैक्सीन की किल्लत की खबर सामने आ रही है। लोगों को ज़रूरत के हिसाब से वैक्सीन नहीं मिल पा रहा। हालत ये हो गई है कि अब 45 साल और उसके ऊपर की उम्र का वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। वैक्सीन की कमी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं 18 साल की उम्र से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन भी मुंबई में सिर्फ 5 सेंटर पर ही किया जा रहा है।